your eyes, I believe. If you move out from my side, I'll be losing grip on you, grip on you. दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने, पक्की का है ये पानी बेज़ुबान, दर्द मेरा कह पाए, बारिश आ गई गज़ब का दिन, कोई दिल में सिवा तेरे, सोचो जरा, दिल चाहते हमसे बताओ के क्या चाहते हो. What's up? Welcome to my new video. आप नए हो मेरे चैनल पे तो हाय, माय नेम इज़ जीविका. वीडियोस बनाती हूँ मेकअप, ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर कट, बहुत कुछ आप सभी को इसमें चैनल पे देखने को मिलता है. तो आज की वीडियो स्पेशली मैं लेके आई हूँ यू नो न्यू ईयर पार्टी मेकअप लुक. आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करा है मैंने. आई शेडो में एक बिल्कुल क्लासिक सा लाइनर है, पिंक कलर की लिपस्टिक है, रेड अप्लाई कर सकते हो. एंड ये वाला लुक कैसा लग रहा है आपको? ग्लोई, ड्यूई, हर एंगल से परफेक्ट है ये. न्यू ईयर पर आप इजीली क्रिएट कर सकते हो इसे. तो वीडियो को पूरा देख लेना. बिगनर हो आप तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी मैं कि कौन से प्रोडक्ट यूज करें हैं, कैसे यूज करें हैं, टूल्स क्या क्या है, सब कुछ एंड टिप्स एंड ट्रिक के साथ में मैं वीडियोस बनाती हूँ. तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, कुछ भी आपको प्रोडक्ट का जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करना मत भूलना. एंड ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से. ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्किन केयर से. स्किन केयर के लिए फेस वॉश बहुत ज़रूरी है. फेस को वॉश कर लिया है मैंने मामाअर्थ के फेस वॉश से. देन मैं गुड वाइब का ये नीम एंड तुलसी वाला टोनर अप्लाई करूँगी अपने फेस पर. टोनर आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, इससे ना आपके जो पोर्स है वो मिनिमाइज होंगे, बेस अच्छा दिखेगा और स्किन ज़्यादा बेटर होगी तो मेकअप उतना ज़्यादा बेटर दिखेगा. तो आपको स्किन केयर पर ज़रूर फोकस करना है. और टोनर अप्लाई करने के बाद मैं इसे डैब डैब करूँगी. एंड देन मॉइस्चराइज़र की बारी आती है तो ये पॉन्ड्स का लाइट जेल वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी अपने फेस पर और इसे अच्छे से मसाज कर लूँगी ताकि मेरी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए. और बिल्कुल हाइड्रेटेड स्किन लगती है, लाइट वेट फार्मूला है इसका, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है. दिस इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र. अब ये अल्प्स गुडनेस की मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पर. सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी. सनस्क्रीन अप्लाई करने से आपकी जो स्किन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी यूवी रेड से. तो आपको ज़रूर अप्लाई कर लेना है सनस्क्रीन. अगर आप बाहर जाते हो तो डेफिनेटली आपको ज़रूर अप्लाई करनी है. एंड देन मैं लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ. वादी हर्बल का बेस्ट अमेजिंग वाला लिप बाम है. बिल्कुल प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती है इसमें से और लॉन्ग लास्टिंग आपके लिप्स मॉइस्चराइज रहेंगे हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए नहीं, लंबे समय तक के लिए. अब मैं थोड़ा सा नेचुरल ग्लो चाहती हूँ तो इल्यूमिनेटर मैं अप्लाई करूँगी अपने मेकअप अप्लाई करने से पहले एज अ बेस. और इस पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी ना तो एक अलग सा ग्लो आ जाएगा मेरे फेस पर, जो नेचुरल यू नो विद इन काइंड ग्लो दिखता है ना, वो इसी से आता है. तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो. मैंने आज स्पेशली ये वाला मतलब प्रोडक्ट यूज़ किया है, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ना न्यू ईयर पार्टीज़ पर थोड़ा सा ग्लोई दिखना है सभी से ज़्यादा एक्स्ट्रा. अब फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी, मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन. साथ ही में ही फाउंडेशन हमेशा ऑलवेज डॉट डॉट करके अप्लाई किया जाता है, आपको भी ऐसे ही अप्लाई करना है. लेयर बाय लेयर अप्लाई कीजिए, एकदम से ज़्यादा मत अप्लाई कर लेना, धीरे धीरे कम क्वांटिटी में आपको लेना है. और जो फाउंडेशन है ना वो आपकी स्किन टाइप का ही होना चाहिए, मतलब स्किन जैसी है वैसा ही आपको फाउंडेशन चूज़ करना है. और शेड रेंज भी आपके स्किन से बिल्कुल मैच होना चाहिए या 19-20 का फ़र्क भी चल जाएगा. आप देख सकते हो मेरी स्किन पर जो फाउंडेशन है ना वो मेरी स्किन से एग्जैक्ट मैच होता है, बिल्कुल ज़्यादा वाइट नहीं है, ज़्यादा डल कलर शेड भी चूज़ नहीं किया है मैंने. तो आपको भी इस टाइप से ही शेड पिक करना है ताकि आपका स्किन है ना वो नेचुरल दिखे, ज़्यादा ऐसा ना दिखे कि आपने अलग से बहुत सारा मेकअप अप्लाई किया है. यही फ़ायदा होता है गाइज इस परफेक्ट शेड का प्रोडक्ट ख़रीदने से. तो
पूरा टचअप के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी ले लूँगी ताकि एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो सब ऑब्जर्व कर ले ब्यूटी ब्लेंडर। और अब मैं आईब्रोज़ को फिल करने वाली हूँ तो ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ करूँगी। और इसे आप बिगनर हो ना तो आप पेंसिल यूज़ करो, अगर आपको ज़्यादा बोल्ड पसंद है मेरी तरह आईब्रोज़ तो आप यू नो आई शेडो पैलेट्स में से ब्लैक कलर लेकर भी फिल कर सकते हो। कंसीलर स्विस ब्यूटी का लिया है मैंने, अब अपनी अंडर आइज़ को थोड़ा सा ब्राइटन अप करूँगी ताकि मेरा फेस हाईलाइटेड दिखे, स्ट्रक्चर दिखे, ब्राइटनेस आए मेरे फेस पर, बिल्कुल ब्राइट दिखे, डल ना दिखे। तो अंडर आइज़ पर फोकस करना है आपको। और ये प्लेस होती है जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अंडर आइज़ पर, फॉरहेड्स पर, नोज़ के ऊपर, क्यूपिड्स बो एंड चिन पर और चीक्स पर मैं अप्लाई करती हूँ हमेशा। तो ये पार्ट्स होते हैं जहाँ पर कंसीलर अप्लाई किए जाते हैं। और एक छोटा सा प्रिसाइजली ब्रश लिया है, इसकी हेल्प से मैं ना कंसीलर को सारी जगह पर स्प्रेड कर दूँगी जहाँ पर भी मुझे नीड है। जैसे आईलिड पर पूरा कवर चाहिए तो मैंने कवर कर दिया है, अंडर को भी थोड़ा मैं स्प्रेड कर लूँगी हर जगह कि एंड में जब मैं ब्लेंड करूँ ना तो बहुत परफेक्ट तरीके से यू नो सटीक टाइप से मेरा कंसीलर ब्लेंड हो और बहुत ज़्यादा अच्छा फिनिश आए और ज़्यादा कवरेज मुझे प्रोवाइड करे। इसलिए मैं अच्छे से पहले एक प्रिसाइजली ब्रश लूँगी, इसकी हेल्प से थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँगी कि हाँ हाँ यहाँ जगह पर मुझे चाहिए। पूरे फेस पर मैंने स्प्रेड कर लिया है, अब मैं ब्लेंड कर लूँगी ना तो मुझे बहुत आसानी होगी। मतलब ब्लेंडिंग में जो ज़्यादा टाइम लगता है ना वो बहुत कम लगेगा अगर आप ऐसे कंसीलर को ब्लेंड करते हो तो। कंसीलर को ब्लेंड करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए थोड़ा मैंने टाइम बचाने के लिए ये ट्रिक यूज़ किया है। और अच्छे से ब्लेंड कर लिया, आप कॉन्टोर करेंगे फेस को। इनसाइड कॉस्मेटिक का ये ड्यूओ कंसीलर एंड हाइलाइटर स्टिक है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो संभाल के लगाना। अपने चिक्स पर, चिन पर, फॉरहेड पर अप्लाई कर लूँगी और नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी। नोज़ को कॉन्टोर करना नहीं आता है ना तो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा, क्योंकि बिगड़ भी जाती है कभी अच्छे से भी हो जाती है तो आप ये स्किप कर सकते हो। आज मैं लिप्स को भी कॉन्टोर करूँगी, यू नो लिप्स को भी थोड़ा इन्हांस करके दिखाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने कॉन्टोर कर लिया है। अब मैं अपने कॉन्टोर को ब्लेंड कर लूँगी अपवर्ड डायरेक्शन में और बहुत शानदार लग रहा है ये। और अच्छे से ब्लेंड कर लो, आप कोई सा भी प्रिसाइज साइज वाला ब्रश ले सकते हो जो आपके चिक्स पर, चिन पर ईजिली फिट हो जाए। और इसे सर्कुलर मोशन में, कभी लंबे लंबे स्ट्रोक्स, कभी अपवर्ड डायरेक्शन में मैं ब्लेंड करूँगी ताकि वो प्रॉपर फ्लॉलेस दिखे, हार्श ना दिखे, स्किन से मिलता जुलता डार्क शेड में कॉन्टोर दिखना चाहिए। इसलिए मैं इस टाइप से ब्लेंड कर लूँगी। नोज़ पे जो कॉन्टोर लगाया था ना उसे ब्लेंड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, उसके लिए मैंने प्रिसाइजली ब्रश लिया और उसे ब्लेंड कर रही हूँ। फिंगर की हेल्प से भी आप नोज़ कॉन्टोर कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। और ब्लेंड भी आप फिंगर की हेल्प से कर सकते हो या ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो आपके पास ज़्यादा ब्रशेस ना हो तो। अब मैं थोड़ा सा ना लैशेस आईलिड को प्रैप कर लूँगी। अब मैंने बेकिंग के लिए लिया है ये लूज पाउडर, दिस इज़ द ब्लू हेवन का लूज पाउडर और अमेजिंग वाला लूज पाउडर है। इसे मैं ट्राई करूँगी अपने आईलिड्स पर बेक करूँगी ताकि मेरी आईलिड है जो वो अंडर आई एरिया जो है वो ब्राइटन अप दिखे। मैं आईलिड कर रही हूँ कब से, अंडर आई एरिया है ना जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया था वो ज़्यादा ब्राइटन अप दिखे। पूरे फेस को भी इसी से सेट कर लूँगी मैं। ये वाला जो ब्रॉन्जर है जो मैं आपको शो कर रही हूँ इसको मैं एज अ आईलिड पर आई शेडो अप्लाई करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल परफेक्ट कलर है जो ट्रांजिशंस कलर होते हैं ना वो। और इसे मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपने आईलिड पर अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करूँगी। अप्लाई करना एंड ब्लेंड करना एंड दैट्स इट। दोनों आईज पर सेम, ज़्यादा तामझाम मैंने आईज के लिए बिल्कुल भी नहीं रखा है, बस आईलिड क्रीज एरिया पर मैंने ब्रॉन्जर अप्लाई कर लिया है एंड देन बेकिंग को डस्ट ऑफ कर लूँगी फटाफट से। लाइनर अप्लाई करके मेरा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो बेकिंग गई थी उसे हम हटा लेंगे फटाफट से क्योंकि आई लोअर लेस लाइन भी हमको कवर करना है। लाइनर के लिए मैं ये NYB का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिगनर के लिए बहुत बढ़िया वाला प्रोडक्ट है ये। मैं हमेशा हर वीडियो में यही अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल है ना, हाथ में बिल्कुल ऐसा फिट हो जाता है और विंग उससे बहुत प्रिसाइजली और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, इसलिए मैं ये ज़रूर लेती हूँ प्रोडक्ट और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। लाइनर ड्रॉ कर लूँगी, विंग लाइनर अप्लाई करूँगी धीरे धीरे क्योंकि दोनों आइज पर सेम नहीं बनता ना हमेशा, तो इसलिए मैं धीरे धीरे अप्लाई करूँगी। एंड लोअर लैश लाइन को मैं स्मर्ज कर लूँगी काजल अप्लाई करके,
कि वो थोड़ी सी प्रिटी दिखे। अब यहाँ कलर बार का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ मैं, बहुत ही प्रिटी सा शेड है ये पिंक, और अपने चिक्स पर अप्लाई करूँगी इसे ब्लश को ऑफकोर्स, और ब्लेंड करना है आपको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से ब्लेंड करना है, जेंटल हार्श नहीं जाना है, बिल्कुल हार्श तरीके से, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से। और हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर सिवाना का, दिस इज़ द सिवाना का हाइलाइटर, इसमें आपको 5 शेड मिल जाएंगे, मैं सबसे ऊपर वाला जो शेड है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ हाइलाइटिंग। और चिक्स के यहाँ पर, नोज पर, इनर कॉर्नर्स पर एंड क्यूपिड्स बो फॉरहेड्स पर अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी, ताकि मेरा जो फेस है ना वो हाइलाइटेड दिखे और थोड़ा सा ग्लोई दिखे जब मैं अपने फेस को टर्न करूँ। और ये वाला ग्लो तो हर किसी को पसंद होता है, टिप ऑफ द नोज़ पर, कि जब फ्रंट में मैं देखूँ तो फ्रंट में मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखे और अमेजिंग दिखे। ये मैंने आईब्रो बोन्स को हाईलाइट कर दिया है, और कितना अमेजिंग, मतलब आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के बाद में बहुत अमेजिंग सा लुक आता है, मतलब आपकी आईज़ है ना बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखने लगती है। इनर कॉर्नर्स को भी कर लूँगी, एंड यह मालियो की लिपस्टिक है इन द शेड 23 में मैंने लिया है, ये डार्क पिंक कलर है, दिस इज़ नॉट रेड, दिस इज़ डार्क पिंक कलर। आप रेड अप्लाई करो, न्यूड अप्लाई करना है, लिप बाम अप्लाई करना है, लिप टिंट अप्लाई करना है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एंड बहुत ही कम क्वांटिटी लेकर लिक्विड लिपस्टिक की, एंड मैं बॉर्डर क्रिएट करूँगी, और बहुत ज़्यादा धीरे मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करें, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक से अगर मिस्टेक हो जाएगी ना तो मिटाने में बहुत टाइम लग जाता है। लैशेस को कर्ल कर लेंगे ताकि मस्कारा अच्छे से लगे और लैशेस मर्ज हो जाए, कर्ल हो जाए थोड़ा सा। एंड मस्कारा मार्स का ले सकते हो, बेला वीटा का भी आप मस्कारा यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया है दोनों ही। और मस्कारा यूज़ कर लूँगी मैं, लैशेस भी अप्लाई करूँगी। अगर आप बाहर जाते हो, फेक लैशेस नहीं पसंद है आपको या नहीं लगाना चाहते हो, तो आप ये वाला मस्कारा ट्राई कर सकते हो, मार्स का अमेजिंग अमेजिंग वाला है। मेकअप को सेट कर लूँगी पूरे फेस को, कि पार्टी ख़त्म हो जाए पर मेरा मेकअप ना जाए, इसलिए इनसाइड काम मेकअप फिक्सर है ये, इसकी हेल्प से पूरे फेस को सेट कर लूँगी, और थोड़े से अपने कॉन्टोर को शार्प दिखाऊँगी मैं एजेस को पाउडर की हेल्प से, लाइक दिस। पूरे फेस को सेट कर लिया है, एंड यहाँ पर मेरा लुक होता है कंप्लीट, मेरा मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो गया है और बहुत ज़्यादा प्रिटी ग्लोई दिख रहा है, और पार्टीज़ के लिए बेस्ट बेस्ट वाला मेकअप है, आप इसे ज़रूर क्रिएट करना। और आप देख सकते हो बिल्कुल सटल, ज़्यादा भी नहीं ज़्यादा कम भी नहीं, परफेक्ट मेकअप है। मैं जल्दी से हेयर स्टाइल बनाती हूँ और वापस आती हूँ। I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, I'll be losing grip on you. Dil laga bhi liya, ishq bhi kar liya, chaandni raat mein humne taare कोई दिल में सिवा तेरे, सोचो जरा दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ के क्या चाहते। That's it for today's video guys. I hope आपने वीडियो को बहुत enjoy किया होगा। वीडियो हेल्पफुल रहती ना तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप वीडियो को enjoy कर पाओ। और ये वाला लुक आप ज़रूर क्रिएट करना, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया है, बहुत क्लासी दिखेगा अगर आप इस लुक को क्रिएट करते हो, एंड किसी भी ड्रेस के साथ आप इस लुक को वेयर कर सकते हो। तो प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर कुछ लिंक नहीं मिल पाता है मुझे तो मैं उसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो मुझे फटाफट से, चैनल को चेक नहीं किया है तो चैनल को जाके फटाफट से चेक कर लो, कि हो सकता है कोई और वीडियो आपको पसंद आ जाए, तो प्लीज़ चैनल को भी चेक कर लेना। एंड ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक व्हाट यू हियर then don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon to receive notification every time I release a new video.